हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूं मैं गोप्रो हीरो 8 कैमरे की ब्लॉगिंग केस की। तो इस वीडियो में साथ ही साथ बताऊंगा आप कहां से उसे परचेस कर सकते हैं, साथ ही साथ मैंने कितने में परचेस किया है, ये सब चीज़ें आपको बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं। जब तक मैं अनबॉक्सिंग का सेटअप रेडी करता हूं, तब तक लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइज, अनबॉक्सिंग का सेटअप पूरा रेडी हो चुका है और जो अभी मुझे पार्सल मिला है, कुरियर मिला है, वो मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और ये ब्लॉगिंग केस है उलांजी का G85, जो कि GoPro Hero 8 के लिए यूज़ होता है। तो ये जो मैंने मंगाया था, ये पूरा मंगाया है मेटल में है, ये मेटल केस है। और अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपके पास ऐसा कोई केस हो, ब्लॉगिंग केस हो, जिसमें आप क्या कर सको, लाइट और माइक दोनों ही ऐड कर सको। तो ये मंगाया तो था, देखते हैं अब इसको एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं। तो इसमें कोई टेप कुछ भी नहीं लगी थी, ऐसे ही आया था पूरा, जो कि गलत बात है, कम से कम सील लगा होना चाहिए था। तो इसके अंदर कुछ ये मिल जाते हैं, बट इनका कोई ज़रूरत है नहीं। आई थिंक ये एक बिल है, तो इसको साइड रख लेते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर कुछ मिल जाता है, ये स्क्रू ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि ये है, ये स्क्रू मिल गए, दो स्क्रू हैं। और ये हो गया एक जो माउंट ऐड पे लगाने का, आई थिंक ये जो हमारे पास गिम्बल होता है, तो उस पर अगर हमें ऐड करना है, उस पर अगर हमें अपना कैमरा होल्ड करना है, तो उसके लिए है। तो ये भी अच्छा है, इसे भी साइड में रख लेते हैं। तब तक इनको साइड में रख लेते हैं। और ये दो आई डोंट नो क्या बोलते हैं इनको, बट हम पाना बोलते हैं, पाना या स्क्रू ड्राइवर, जो भी कहें आप, कुछ भी कह सकते हैं। और ये है ब्लॉगिंग केस, बाकी इसमें कुछ है नहीं, इसको साइड रख देते हैं। तो ये है मेटल का पूरा, और दिखने में तो काफ़ी अच्छा है और डिज़ाइन वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये है हमारा माइक अडैप्टर, माइक को होल्ड करने वाला। तो जैसे अगर आपके पास माइक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका कैमरा लगा है यहाँ पे, तो माइक जो आपका लगा है, तो वो भी कभी कभी कैमरे में कैप्चर होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे दिया है इन्होंने माइक होल्डर, जो कि अलग भी हो जाता है। तो इसको रख लेते हैं, ये भी मेटल है पूरा। दरअसल ये केस दो उसमें आते हैं, दो टाइप्स में आते हैं, एक मेटल केस में आता है और एक प्लास्टिक केस में आता है। तो मैंने मेटल वाला मंगाया, तो मेटल वाला थोड़ा सा महंगा है प्लास्टिक के कंपैरिजन में। और ये है हमारा, इस पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है माइक अडैप्टर, जो माइक को होल्ड करता है। जब आप GoPro Hero 8 को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि GoPro Hero 8 में एक्सटर्नल माइक यूज़ करने के लिए उसमें क्या चाहिए होता है, एक्स्ट्रा ये यहाँ पे माइक अडैप्टर को होल्ड करने के लिए चाहिए होता है। तो आप यहाँ पे माइक जो माइक अडैप्टर है, उसको यहाँ पे रख के माइक को होल्ड कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा है। और ये हो गया ओपन, और यहाँ से आप GoPro Hero 8 को पुश करोगे और उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर दोगे। तो ये काफ़ी अच्छा मेटल का है काफ़ी, और बढ़िया भी है, आई थिंक ये ड्यूरेबल भी है काफ़ी। और ये है जो सबसे अच्छा बात लगा मुझे इसमें, जिसकी वजह से मैंने इसे मंगाया, वो है इसका ये वाला सेक्शन, बैटरी वाला सेक्शन। तो इसमें क्या है कि GoPro Hero 8 को जब आप यूज़ कर रहे हो, बैटरी होल्डर को लगाकर, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते, अडैप्टर यूज़ नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या है कि प्रॉब्लम आती है बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने इसीलिए मंगाया इसे कि ये बैटरी भी होल्ड कर सके और मुझे जो माइक अडैप्टर का जो एक्सेस है, वो भी मुझे मिल जाए। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें एक बारी मैं एक फ़ोटो क्लिक करके बाद में बताऊंगा कि कैसे इसके अंदर GoPro Hero 8 लग रहा है। तो अभी एक बारी मैं इसके स्क्रू ड्राइवर पूरा कस देता हूं फटाफट से। तो इनको तो ये मैं लगा चुका हूँ, इस पर ऐड कर चुका हूँ। तो
इस तरीके से दिखता कुछ, अगर आप इसको इसको लगाते हैं इस पर तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपको थोड़ा इससे आइडिया मिल जाएगा। ये उलान जी की तरफ से, अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये मुझे कितने का पड़ा है। लेकिन आप अभी तक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है जो मेटल केस है जो मैंने ये ख़रीदा है। मैंने ख़रीदा है ये tiana.com.in से। tiana.in एक ऑनलाइन सेल करने वाली वेबसाइट है जो कि मुंबई से भेजती है अपने प्रोडक्ट्स को। तो मैंने उससे ऑनलाइन इसे ऑर्डर किया था और जो मुझे ये पड़ा है, ये पड़ा है मुझे यहाँ पर बिल है इसका, बिल देख लेते हैं एक बार। तो ये पड़ा है मुझे 3700 का, ये केस पड़ा है मुझे। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं इसे तो आई थिंक आपको 4000 या 5000 पे करना पड़ेगा, बट अगर आप tiana.in से ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपको ये सस्ता ही पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से है। तो वॉचिंग गाइस, अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।